दो चार घंटा हम लोग जैसे हम सात आठ घंटा तक हम ऑपरेटिंग किए हैं राइट फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर। तो हमारी तो हालत बहुत खराब हो गई थी, जलंधर पहुँचे तो हमने कहा बट आप लोग जैसे जो सेकेंड फायरमैन फर्स्ट फायरमैन खासकर जो फर्स्ट फायरमैन का जो कोयला सात आठ कितनी देर में वो लोग कंसनट्रेट कर पाते सिग्नल है वो है नो लिमिट। मैं एज ए ड्राइवर 18 आवर्स 18 टन्स रखा मैं डब्ल्यू जी लोग कोयला फ्रॉम बिलासपुर टू डोंगर गया 133 किलोमीटर उसमें 1800 क्यूमुलस कोयला हो गया और ड्यूटी आवर्स 15 या 16 घंटे हुआ। देखिए 18 टन्स कोयला का तो अब उसका कंसंट्रेशन तो नहीं करेंगे 1821 टन्स लोड किए और नाइट्रिक हुआ इन बिटवीन सेक्शन में वाटरिंग हो गई थे और ऐसा बहुत सी चीज़ है सर। आपके आपका इम्पोर्टेंस वाले मैं तो बहुत बड़ा अभी ये है कि जो हम इस तरह काम लिखना चाहते हैं ये है कि बेसिकली जो ड्राइवर लोग का अनुसर जो पर्टिकुलरली कंफ्यूज में होता है जब लेन पे आ जाते हैं तब लाइफ जो है सुधर जाती है, जब तक घूस में होते हैं तब तक तो नहीं कुछ। आपको अभी तो रूल बन गया कि भाई 2 आवर कॉल चाहिए 4 आवर कॉल चाहिए आपको कुछ भी नहीं था। पेमेंट हो रहा है देखिए फीचर लिस्ट पेमेंट हो रहा है अंडर लिस्ट पेमेंट हो रहा है बट काम तो करा सुधर जाता है। 20 घंटा तो आप कोई नहीं कर रहा नहीं करा करने वाले कर रहा है गार्ड लोग जो ब्रेक टू ब्रेक काम करते हैं। गार्ड लोग को क्या है गार्ड लोग पैसेंजर गार्ड को क्या है उसको बैठना है गुड्स गार्ड का थोड़ा झटका लगता है पैसेंजर गार्ड को कोई प्रोफेशन का भी नाम ठीक क्या है नहीं एरर भी कर रहा है 15-20 घंटा मान लीजिए 15 घंटा तो कर रहा है 20 घंटा नहीं 20 भी है क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए उसने डिमांड किया भाई हमने लॉस हो गया हमने दिया तो और हमको बिलीव तो बिलीव लाया नहीं सकता कहाँ से लाया अभी तो आजकल उस लेन में उसका ड्यूटी और रिफ्यूज भी कर सकता है। जब हम ए एन ई के ड्राइवर अगर रिफ्यूज करें तो दूसरे दिन ए एन ई के पास उसकी पेशी हो जाती है पहले बुक ऑफ हो जाता है जिस दिन बुक ऑफ हुआ उस दिन का उसको माइलेज नहीं मिलता उसको हेडक्वार्टर अलाउ नहीं करता नहीं नो नो माइलेज नो माइलेज अगर ए एन ई लीक सर्टिफाई न करे तो नो माइलेज को सके तो वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू अ ड्राइवर आई डोंट नो मेबी बट नाउ आई डोंट थिंक
अच्छे और वाइज मत जाओ लाइन में, छुट्टी मांगने से ले देते थे और रोते थे बेचारे। अच्छा स्पेशली हमारी वाइफ को तो मैं अपने रोते हुए मिले ये समय होली के समय बहुत मैंने जंडाल काम करते थे उस एरिया में। अभी तो काफ़ी पुलिस रिएक्शन होकर बहुत सुधर गया, पहले बहुत गंदा काम था रात का समय तो घर में आदमी नहीं बोले से डंडा घर पर मारना पत्थर मारना और ये सब करते थे। तो बेचारे बोलते थे आज के दिन तो कम से कम मर जाओ रात को सुबह में चले आए, मगर क्या मजबूरी है। आज यही है कि गवर्नमेंट साथ साथ थोड़ा थोड़ा सब कुछ पैसा बांट के मुंह बंद करती है। एक टू वो एक टू स्काईलैब मेरा स्काईलैब हाँ स्काईलैब एक टू हुआ था यूपी पूरा वाला फुल नाइट मुसान का याद है कौन सा है ये 89 88 का तो नहीं नहीं उससे पहले का। तो उस टाइम में पहले से एडवांस हो गया ना, पहले से इन्फॉर्म किए ये टाइम में बाहर मत जाओ उसको देखो मार के। तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग रूट्स में चल रहे थे तो सामने ग्लूकोन ग्लास में पेपर को पेस्ट शाम को जो निकल रहा था वो लोग उसमें किए। और एक साल के बाद गवर्नमेंट वो डेट में जो काम किए उनको एक्स्ट्रा फंडिंग जैसे अभी देते हैं ना नेशनल वाले डे ऐसा। बट अभी तो जैसे वो जमाने में जब जो स्किल्स का विषय में अगर क्योंकि जो मैंने देखा साल यंग लड़के थे क्लीनर्स है बहुत लोग तो रिफ्यूज करते थे कि रनिंग स्टार्ट में नहीं जाएंगे लेकिन रनिंग स्टार्ट में इसलिए आते थे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता था। तो आपके टाइम में कितना ज़्यादा मिलता था अगर आप रनिंग में जाएँ और दूसरा स्टेशन स्टेशन में कितना ये आपका छोटा एग्जाम्पल देता हूँ पैसे का फर्क से नहीं जाते थे। एक एज ए ड्राइवर जब सर्विस करते थे हमारा जैसे कुछ चैनल ओपन भी हो गया बाहर जाने का मैंने स्टेशनरी जॉब में सेट फोन टी एल सी पावर कंट्रोल सर तो वो रिफ्यूज करके हम लोग एज ए बस ड्राइवर ही काम करते थे। तो उसका मेन रीज़न ये था अपना ड्यूटी के बाद अपने कोई पूछने वाला नहीं था इंडिपेंडेंट और स्टेशनरी पोस्ट एंड अदर सुपरवाइजिंग पोस्ट बहुत ये है बड़ा इंडिपेंडेंट पोस्ट। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप रनिंग में जाएं तो आपको फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब है लेकिन पैसा जो आपके जमाने में कितना खास फर्क नहीं था बहुत कम था। ये फोर्थ पे कमीशन के बाद बढ़ा है मैं रिटायर हुआ 1640 to 2900 कुल मिला के कितना मिलता था आप स्पेशल जॉब रनिंग में बोलते हैं काम तुम तो जानते ही है ना मैं वो बात बता देता हूँ उसके से 2-3 हज़ार रुपये कोचिंग दो एक्स्ट्रा नौ एक्स्ट्रा इनाम ओके इसलिए कब फिफ्थ पे कमीशन से तो बड़ा है सर नहीं तो 92 में तो मेरे को भी 3,000 से कम मिलता था। आप बोलो देखिए यही कमी यही नहीं हो गया है हम लोग को बहुत ये बोले स्टेशन पोस्ट में आओ ये इधर सेलेक्शन में आओ आप लोग को मिल जाएगा ये बार वो काफ़ी इनको पता है ये स्पेशल में हमारा बड़ा टॉप में रहता है बड़ा ऑफिशियल इसमें सब। तो हमारे सर के 2-3 और थे सबको बहुत नडिशन भी होता है तुम्हारा ए डब्ल्यू में भी ले हम जानते हैं बोला नहीं सर
इंडिपेंडेंट हो। यस सर, मौसम कितनी ज़्यादा हो जाता है ना, पेपर करे तो उसके बाद में हाँ मेरा इंडिपेंडेंट जॉब ही नहीं आ रहा। ड्राइवर जॉब है भी इंडिपेंडेंट जॉब, जो मैंने कंफर्ट फील करते हैं, जो अपने ड्यूटीज ठीक कर लेते हैं, उनके लिए तो यही है बड़ा इंडिपेंडेंट जॉब। लेकिन फिजिकली जैसे हाँ टफर जॉब वो तो है, देखिए कुछ तो रहेगा, बट मान लीजिए 8 आवर्स ड्यूटी आ रहा है विश्लेषण लाने के लिए, 8 आवर्स के बाद खत्म हो, हम अपने ड्यूटी कर दिए बस खत्म। मगर अभी रात को 2 बजे